अनंत, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम भी लेट ज्वाइन कर रहे हो आजकल। सर वो जूम काम नहीं कर रहा था इसलिए दूसरे फोन से ज्वाइन किया। फॉर्म करो कम से कम। सो नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइंस। मैं बता दूं, ये एल्काइंस वाला जो प्रिपरेशन स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रूट मैप्स और कन्वर्शंस के लिए। जब हम कन्वर्शंस प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें नोट में मैं लिख दे रहा हूं फॉर कन्वर्शंस, ये कन्वर्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे इजी एल्काइन लिया, दिस इज कॉल्ड इथाइन, एंड वी आर यूजिंग अ स्पेशल रिएजेंट विच इज 20% और सिंपली राइट डाउन H2SO4, HgSO4, and H2SO4 is dilute in nature at 80 degrees Celsius. It is a special reagent. इसके presence में क्या होता है, एक तो unstable compound form होता है, इसको नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। Main step में मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये कुछ ऐसा form हो जाता है, ये काफी unstable होता है, ठीक है। ये स्टेप को अगर नहीं शो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्दर ये रीअरेंज हो जाएगा CH3CHO। यस, फ्रॉम CH3CHO। यस, CH3CHO बन जाता है। ये रीअरेंजमेंट हो गया, देखो कुछ भी बाहर नहीं निकला, टू था ये एच इधर चला आया और बस रीअरेंज हो गया। ये अनस्टेबल क्यों होता है अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, ये अनस्टेबल इसलिए होता है अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम लोग देखोगे कि एक ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और OH एक बल्कि ग्रुप है। OH एक क्या है, बड़ा सा ग्रुप है। सो बल्कि ग्रुप एक साथ कभी नहीं रहता, डबल बॉन्ड और बल्कि ग्रुप एक साथ रहेगा तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है, इसीलिए क्या होता है ये रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस O के पास और ये H जो है इस कार्बन के पास चला आता है। सो इट इज रीअरेंज इनटू एल्डिहाइड्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तुम लोग मुझे इसी तरीके से रीअरेंज करके बताओ क्या फॉर्म होगा इफ वी यूजिंग प्रोप वन आइन, इफ वी आर यूजिंग दिस कंपाउंड। ओके, प्रोप वन आइन, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 GSO4 at 80 degree Celsius. Answer me. क्या हो रहा था, अनस्टेबल कंपाउंड बना लो ना, ये होगा C, फिर क्या होगा एक H इसके पास आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CHOH होगा। ये सुनो, and now it is rearranged, rearrangement में क्या होगा बताओ, CH3 ये बन जाएगा CH2 और यहां double bond आ जाएगा और इधर रह जाएगा हमारा CH3, sorry mistaken, वो compound नहीं होगा। अनंत क्या बनेगा बताओ, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा है ना, तीन कार्बन है तो डबल बॉन्ड और ओ इसके पास चलाएगा और यहां पर CH3 हो जाएगा तो ये एसीटोन बना देगा, तो ये हो जाएगा CH3 तीन कार्बन का, C डबल बॉन्ड ओ CH3। इसमें एक चीज नोट कर लेना, क्या हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं इस मेथड से, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड,
फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो HCHO एक कार्बन का एल्काइन तो होता ही नहीं है, एक कार्बन का एल्काइन होता ही नहीं है, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। एग्जाम में MCQ पूछता है क्या फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से बन सकता है, आंसर इज नो। ठीक है, इसके बाद क्या है एक मेथड, इसके बाद का मेथड है ओजोनोलाइसिस, जो ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा था हमने, इफ यू रिमेम्बर ओजोनोलाइसिस। किसी को याद है ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता था? पढ़ के भूल गए, कोई बात नहीं। ओजोन लेते थे हम लोग, O3, इसीलिए इसका नाम ओजोनोलाइसिस। ओजोन लेते थे और ये ओजोन कैसे सेटअप होता था ये भी मैंने बताया था। ओजोन कैसे सेटअप होता था, इस कार्बन, ये डबल बॉन्ड का एक हाथ खुल जाता था, एक ऑक्सीजन ऊपर होता था, एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में, एक और ऑक्सीजन ऊपर, और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में हैंडशेक कर लेते थे। ये काफी अनस्टेबल होता था। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते थे। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी और H+ डाल देते थे। जब हम ऐसा करते थे तो क्या होता था, ये पूरा चीज दो पार्ट में टूट जाता था, एक इधर एक इधर, याद आया? इधर क्या बचा है देखो, HCHO, यस और नो, HCHO, HCHO, इस साइड में क्या बचा है, सेम HCHO, तो 2HCHO बच गया, और ये ऑक्सीजन जो है ये बच रहा है। इसको ये एक नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इसको एब्जॉर्ब करने, दिस ऑक्सीजन हियर, इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग नहीं एब्जॉर्ब करेंगे ना तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग यहाँ पर जिंक डस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, जिंक डस्ट। तो यहां पर याद रखना, जिंक डस्ट इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन ओजोनोलाइसिस। इस ओजोनोलाइसिस में जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था इसको एब्सॉर्ब करने के लिए हम लोग जिंक डस्ट यूज करते थे। क्लियर हुआ, याद आ रहा? ये हमारा क्या था, इथीन, और इससे हमारा फॉर्म क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। एनीथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? सर, टू कार्बन कंपाउंड से वन कार्बन कंपाउंड। एग्जैक्टली, पेरेंट कार्बन के पास, पेरेंट एटम जो है, पेरेंट मॉलिक्यूल, इसके पास दो कार्बन का मॉलिक्यूल था, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू स्टेप डाउन कन्वर्शन, स्टेप डाउन कन्वर्शन में काम में आता है ये प्रोसेस। आई होप समझ में आया। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट बताओगे क्या फॉर्म होगा इफ वी यूज। सर, यस सर, अगर हम लोग जिंक डस्ट यूज ना करें तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के बाद कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना? अगर हम लोग जिंक डस्ट यूज नहीं करते तो फॉर्मल्डिहाइड की जगह ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, कुछ ऐसा होता, मैं लिख दे रहा हूँ पर मैं मिटा दूंगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करके COOH बना देता, ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड बन जाता। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जिंक डस्ट यूज करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। क्लियर? नाउ इफ यू यूज, व्हाट इज दिस कंपाउंड, दिस इज ब्यूट टू इन, और इसमें हम ओजोन डालेंगे, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, डू इट।
सर एसिटाल्डिहाइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, करेक्ट। स्वयं तुम्हारा भी सेम आया? हाँ कुछ नहीं है बस, तो यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ सी एच थ्री सी एच ओ है, तो ये रहा सी एच थ्री सी एच ओ। सिमिलरली राइट साइड में भी सेम है, तो दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए एसिटल। सिमिलरली घर पे ट्राई करना, मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स लिख दे रहा हूं, इनका ओजोनोलाइसिस करना और बताना क्या फॉर्म हो। पहला ये मॉलिक्यूल और दूसरा ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्राई दम, ठीक है। इसमें एसीटोन बनना चाहिए, मैं पहले से बता दे रहा हूं, और इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक एसिटाल्डिहाइड एक एसीटोन बनेगा। तो इस तरह का मिक्स एंड मर्ज प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये भी हमने लास्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरेन्स में पढ़ा था। सो सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। एनसीईआरटी में बुक में देखोगे ना, ये नहीं लिखा होगा, ओजोनोलाइसिस नहीं लिखा होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखते हैं वो लोग? क्योंकि ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में है, पर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तभी जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होता है। सो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बुक में एनसीईआरटी में अगर ये ना मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में दे दिया था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं याद है? एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? आर एम जी एक्स, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ऑलरेडी तुम लोग बहुत प्रैक्टिस की हो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके क्या बनता है याद है कुछ? अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना हो तो मैं कौन सा रिएजेंट लेता था? नहीं याद है? एनीवन? हम लोग एस्टर यूज करते थे। ओके, एस्टर्स यूज करते, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताता हूं, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना। अगर हम लोग इस कंपाउंड को ले, इसका नाम कोई बताना मुझे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? और इसका नाम क्या होगा? एस्टर याद है ना कैसा होता था? एस्टर, आर सी ओ ओ आर प्राइम, दिस इज एस्टर। और एस्टर का नाम कैसे होता था? लास्ट में हम लोग क्या ओइक एसिड हटा के क्या लगा देते थे? एट बैठा देते थे, याद आ रहा है? सो ये फॉर्मिक एसिड में लास्ट में सी टू एच फाइव लग गया है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लास्ट में क्या है? सी टू एच फाइव। सी टू एच फाइव के लिए वर्ड क्या आता है? इथाइल, और फॉर्मिक एसिड का पार्ट है इसलिए फॉर्मेट। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा बताओ? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल, इथाइल एसिटेट, एसिटेट यस, और इथानोएट कह सकते हैं, ठीक है? इथाइल इथानोएट इथाइल मिथानोएट लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा? अब जैसे इसमें हम एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सी एस थ्री एम जी आई, वेरी फेमस ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जब पुट करोगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे करके खुल जाता है और एम जी आई पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, कुछ ऐसे। मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ तब समझ में आएगा।
अब देखो इस ऑक्सीजन का एक हाथ खाली हो गया, इस कार्बन का एक हाथ खाली। ऑक्सीजन के पास जाएगा MgI और कार्बन के पास आएगा CH3, ये CH3। और ये काफी क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट होता है, तो अनस्टेबल होता है। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O एंड H+। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये पार्ट ब्रेक डाउन होके अलग हो जाएगा। ये MgI जो है, MgI, लेट मी कर, ये MgI इस OC2H5 को लेके अलग हो जाए। क्लियर? MgI OC2H5 को लेके अलग हो जाएगा, तो क्या बना दे रहा है, देखो Mg इधर I, Mg का दो हाथ होता है ना, और एक में OC2H5, बाकी क्या बच रहा है, बच रहा है CH3CH, यस और नो, CH3CHO, सो विच इज नथिंग बट एसिटल। क्लियर स्वयं, समझ में आया कैसे किया हमने अनंत? सो ये मैंने इथाइल एसिटेट दूसरा एग्जांपल दिया है, प्लीज मुझे जरा करके बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इथाइल एसिटेट अगर हम लोग इस मेथड से जाएंगे। एसीटोन आ रहा। देखो इसको ना एग्जाम में रोड मैप्स में कैसे दे देगा, एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बना देगा CH3, जितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा था वैसे नहीं भी लिखा हो सकता है, ऐसे यहाँ पे बनाएगा A, ठीक है, देन यहाँ पे लिख देगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3+B। ये हो गया क्वेश्चन, पूछेगा आइडेंटिफाई A एंड B, ऐसा क्वेश्चन सेट होता है। तब अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में अचानक देखोगे तो ये फिर दिमाग में आना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्वियसली A की जगह हम लोग डालेंगे CH3MgI, तो एक बीच में एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जिसको नहीं शो किया गया है यहाँ पे, देन हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो गया, O के पास MgI, इसके पास CH3, यहाँ OC2H5, देन ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3 एंड MgI OC2H5। So it is identified what is A and what is B, identified हो गया, ऐसा question आता है। एक और question लिख रहा हूँ मैं, जरा तुम लोग बताओ मुझे क्या form होना चाहिए। Sir directly अगर मतलब road map में दिया हुआ है तो A की जगह reagent, और तुमको बस road map equation आएगा ना तो तुम्हें ऐसे लिखना है, actually answer हम ऐसे करेंगे A is equal to CH3 MgI और बगल में लिख देंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और बी क्या हम लोग वाटर और H+ भी लिखेंगे A में? नहीं, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तुमसे A और B पूछेगा तो बस ऐसे आंसर कर देंगे, ठीक है, और चाहो तो पूरा लिख के बता सकते। मैं अगर खुद आंसर करूँ तुम्हारे जगह, मैं एग्जाम दूंगा तो मैं पूरा लिखूंगा, ये रिएक्शन लिखूंगा और नीचे ऐसे लिखूंगा, A इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड B इज इक्वल टू MgIOC2H5, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखते हो गया मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, अगर इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन घुमा के दे दिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड ले रहे हैं और इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, और यहाँ पे चलो पूरा ब्रेक करके लिख दिया है A एंड देन हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे तो B बनेगा, आइडेंटिफाई A एंड B, आइडेंटिफाई A एंड B,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी के साथ भी रिएक्ट करे, प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये डबल बॉन्ड खुल के जैसे ऑक्सीजन के पास जा रहा था हमारा यहाँ पर, और फिर MgI जो है वो अटैक कर दे रहा था इस ऑक्सीजन को, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड खुल के नाइट्रोजन पे जाएगा तो ये MgI किसको अटैक करेगा, नाइट्रोजन को, और CH3 किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास। डू इट, समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो यहाँ नाइट्रोजन का और कार्बन का एक एक हाथ खाली हो गया, तो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा MgI और कार्बन के पास चला आएगा CH3। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे जैसे पहले हो रहा था, क्या बन रहा था हमारा, MgI जो है वो यहाँ पर रिमूव करता था हमारा वाटर को लेके, यहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना, स्पेशल केस है। यहाँ पर B की जगह हमारा बनेगा CH3C, ये N हट जाता है यहाँ से, N हट के यहाँ पे O बैठ जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, NH3 बना देगा, और MgI जो है ये OH को लेके अलग हो जाएगा। ये एक स्पेशल रिएक्शन है। Aldehyde can also be prepared using hydrogen cyanide. That is why it is very important. एक special reaction. देख लो एक बार इसको, अगर doubt हो रहा है तो बताओ। है ना? So, अगर हाइड्रोजन साइनाइड यूज करते हैं हम लोग तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, याद रखना। और अगर हाइड्रोजन साइनाइड की जगह मिथाइल साइनाइड यूज करें हम मिथाइल साइनाइड यूज करें तो एसीटोन बनेगा। ये इसका स्पेशल फॉर्म है। प्लीज Go ahead and write down the reactions. बताओ यहां बीच में क्या बनने वाला है हमारा? इस तरह का रिएक्शन होता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है रोड मैप्स के लिए। अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम लोग मिथाइल साइनाइड लेंगे तो हमारा एसीटोन बनेगा। अच्छा, इस मेथड से जो मेथड अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या फॉर्मल डिहाइड को बनाया जा सकता है? कैन वी प्रिपेयर फॉर्मल डिहाइड यूजिंग दिस मेथड, यस और नो? प्लीज चेक एन आंसर। सर अगर हम लोग अल्कोहल का यूज करें तो? अल्कोहल का कहाँ यूज करें, इंस्टेड ऑफ ईस्टर्स? यस सर, करके देखते हैं बनेगा क्या, बताओ रिएक्शन क्या होगा। कौन सा अल्कोहल लेंगे सर? इथेनॉल। इथेनॉल लेंगे, चलो। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, क्या बनेगा, कैसे होगा रिएक्शन? नहीं बनता है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बन सकता, ये याद रखना, क्योंकि हमने जो एस्टर, सबसे बेसिक एस्टर लिया था हमने पहले वाले रिएक्शन में, देखो सबसे
इजी एस्टर, इससे हल्का एस्टर हो ही नहीं सकता, इससे छोटा, विच इज माई इथाइल फॉर्मेट या मिथाइल फॉर्मेट, कुछ भी हम ले लेते, क्योंकि इस साइड में मेरा सबसे कम कार्बन है, एक ही कार्बन यूज करके हम बना सकते हैं एसीटेट या फॉर्मेट, इसीलिए हमारा फॉर्मल फॉर्मिक एसिड इससे नहीं बन सकता, ओके ये याद रखना, सॉरी फॉर्मल डिहाइड, सो इसमें भी लिख सकते हैं फॉर्मल डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथ। आई होप समझ में आया होगा। एक दो, बस दो और रिएक्शन बचे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला, ये भी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, याद है? फ्रीडल क्राफ्ट का दो टाइप होता था, फ्रीडल अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन काम में आया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, व्हाट वी यूज, वी यूज बेंजीन अलोंग विथ एसिड क्लोराइड, देन व्हाट हैपन, यहाँ पे एच होता है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस, सो एच और Cl रिमूव हो जाता है और COR जो है वो बेंजीन के ऊपर, एरोमेटिक कीटोन फॉर्म होता है प्लस एच सी एच, एरोमेटिक कीटोन फॉर्म, सो इट इज आल्सो नेम रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसका जनरलाइज्ड एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल बेंजीन ले लिया हमने और इसके साथ हमने ले लिया, इसका नाम क्या होगा जो मैंने लिखा अभी, एसिड क्लोराइड, तो ये कौन सा एसिड है, इसका नाम क्या होगा, कम ऑन, ये बहुत खराब हालत है तुम लोगों का, ऐसे नहीं चलेगा ऑर्गेनिक, बताओ नाम क्या होगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या था, एसिटो फिनोन, यस और नो, और रिएक्टेंट का नाम क्या होगा, भूल गए लोग, लास्ट में ओइक एसिड हटा के हम लोग क्या लगते थे, ओ वाई एल लगा देते थे, तो ये इथानोइक एसिड था, सो इथानोइक एसिड हटा के हम लोग क्या लगाते थे, नोआइल कर देते थे, इथानोआइल एंड देन क्लोरीन के लिए क्या हो जाता था, नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करो भाई, एग्जाम आ जाएगा कब तब करोगे। एक और नेम रिएक्शन है इस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, और जब भी कोई नेम रिएक्शन हो ना तो वहां स्टेटमेंट जरूर लिखना एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखोगे, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन एरोमेटिक कीटोन्स आर फॉर्म्ड, बस जो लाइन लिखा हुआ ना इसको इंग्लिश में लिख देना, उसी तरह यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन
ऑफ की टॉलुइन टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन टू एल्डिहाइड स्टेज वी यूज स्पेशल रिएजेंट. एक स्पेशल रिएजेंट को यूज किया जाता है वरना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इसीलिए हम लोग एल्डिहाइड तक रोकने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं. दिस स्पेशल रिएजेंट इज CrO2Cl2, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड. क्या कहते हैं इसे? क्रोमाइल क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन सम नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, लाइक CS2 और CCl4, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर देन बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म. एक मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, चाहो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखना होगा, जो आप लोगों को इजी लगे, समझने में आसान हो वो लिखना. जैसे आप लिख सकते हो व्हेन टॉलुइन रिएक्ट विथ क्रोमाइल क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन सम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 और CCl4 at room temperature, then oxidation take place and toluene is converted into benzaldehyde. क्या बात समझ में आई? नेम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? ठीक है, एनी क्वेश्चन? टॉलविन जब हमने क्लास 11 में पढ़ा था उसमें एक और चीज हमने स्पेशल पढ़ा था, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, जिसको हम लोग कहते थे साइड चेन क्लोरीनेशन. साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलविन, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था. इसमें भी एल्डिहाइड बनता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है. इसमें हम टॉलविन लेते हैं, एंड इसका साइड चेन क्लोरीनेशन करते हैं. साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब जस्ट क्लोरीन डालते हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट हैपन, इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग द क्लोरीन इज अटैच टू द साइड चेन. मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटके क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है. ओके, मैं एक नेक्स्ट लेक्चर लिंक भेज रहा हूँ जहां पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, सेंड यू लिंक विद इन अ मिनट.